इसी बीच यूपी चुनाव से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, यूपी चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर। विधुना विधानसभा सीट से विनय को ने इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाएंगे विनय शाक्य, ये बड़ी खबर आपको बता दें। स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पहुंचे हैं विनय। औरैया के विधुना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक है विनय, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अब जाएंगे। यूपी चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधुना विधानसभा सीट से विनय ने इस्तीफा दे दिया है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही विनय जाएंगे, यानी कि विनय भी अब अखिलेश यादव का दामन थाम सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पहुंचे हैं विनय, जहां पर दोनों के बीच बातचीत हो रही है। औरैया के विधुना विधानसभा सीट से विनय विधायक है और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल वो मौर्य के आवास पर पहुंचे हैं, जहां पर दोनों के बीच बातचीत हो रही है। और बातचीत के बाद ये तस्वीरें साफ हैं कि अब वो मौर्य के साथ ही जाएंगे, यानी कि वो भी अखिलेश यादव के साथ जाएंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंचे हैं विनय शाक्य, जहां पर दोनों के बीच बातचीत हो रही है। और कयास ये बहुत तेज है कि अब वो भी अखिलेश यादव के साथ जा सकते हैं। ये बड़ी और अहम खबर यूपी चुनाव से जुड़ी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। नरेंद्र, जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि विनय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्या वो भी अखिलेश के साथ जाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर कयास लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव के पास जाएंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो पूर्व मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, उनके आवास पर पहुंचे हैं विनय शाक्य। उनके भाई भी मौजूद हैं, अपने परिवार के साथ आए हैं, और उन्होंने घर के अंदर जाने से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी जाएंगे, हम भी उन्हीं के साथ जाएंगे। कल खुलासा करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के बागी नेताओं की या विधायकों की जो पार्टी छोड़ रहे हैं, उनकी अगुवाई कर रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में कल समाजवादी पार्टी पर सभी लोग पहुंचकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। और प्रेस वार्ता भी अखिलेश यादव बुला सकते हैं। तो अगर बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य का आवास, एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी के बागियों का अखाड़ा बन चुका है। यहाँ पर पूरी भीड़ जमा है और लगातार वो बागी विधायक और मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ना चाहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में हैं। और यहाँ पर हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है कि एक बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज देर रात तक स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में इकट्ठा होंगे और कल समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। जी नरेंद्र, इसके अलावा विनय ने इस्तीफा क्यों दिया, क्या इसके पीछे की कोई वजह अब तक साफ हो पाई? देखिए, इस्तीफे का कॉपी हमारे पास है, उसमें उन्होंने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं व जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की है, उनका ध्यान नहीं दिया है, पिछड़ों, दलितों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम नहीं किया है, जिसके चलते मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। वही आरोप ये भी लगाए हैं जो पहले दो तीन मंत्रियों ने लगाए थे कि घोर उपेक्षा की गई है और विकास का काम नहीं किया गया है, पिछड़ों पर ध्यान नहीं दिया गया है। वही सारे मिलते जुलते आरोप लगाते हुए विनय शाक्य ने भी अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया है। जी नरेंद्र, विनय के जाने से पार्टी को कितना बड़ा झटका लगा है? देखिए, औरैया की विधुना से वो विधायक हैं विनय शाक्य, और वो भारतीय जनता पार्टी से पिछली बार चुनाव जीते थे। तो अगर एक जीता हुआ और पिछड़े वर्ग का, दलित वर्ग का अगर कोई प्रत्याशी या विधायक भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले छोड़ता है तो उसका कुछ ना कुछ असर तो जरूर पड़ेगा। अगर वो समाजवादी पार्टी जैसे मजबूत धड़े से जुड़ता है, वहाँ से टिकट उसको मिलता है, तब तो उसका फायदा होगा। और निश्चित तौर पर अगर चुनाव के पहले ऐसे बड़े नेता, पूर्व विधायक और विधायक, पूर्व मंत्री और मंत्री पार्टी छोड़कर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ असर तो निश्चित तौर पर पड़ेगा। एक लहर सी
जो है भारतीय जनता पार्टी में जो छोड़ने वालों की थी वो एकजुट हो रही है और समाजवादी पार्टी में जाने का प्रयास कर रही है, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं के अपने पैठ हैं और क्या समीकरण वहाँ के स्थानीय रहते हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये बाद में ही बताया जा सकेगा कि कितना नुकसान साख के जाने से बीजेपी को हुआ है या जहाँ से वो जुड़ते हैं उसको कितना फायदा हुआ है। जी ठीक नरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। विधुना विधानसभा सीट से विनय ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ वो जाएंगे, ये उनका कहना है, और फिलहाल वो स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर ही पहुंचे हैं जहां पर दोनों के बीच बातचीत हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दलितों के साथ अन्याय हुआ बीजेपी पार्टी में और इसी वजह से वो ये पार्टी छोड़ रहे हैं। हालांकि अब आगे वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इशारा तो यही कहता है कि अखिलेश यादव के साथ ही जाएंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले ही सपा ज्वाइन कर चुके हैं और यहाँ पर विनय का इस्तीफा भी इसी ओर इशारा करता है, क्योंकि दोनों के बीच बातचीत हो रही है तो जाहिर सी बात है कि दोनों का विचारधारा और एक ही होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी चुनाव से जुड़ी, ये बेहद अहम जानकारी, जहाँ पर विधुना विधानसभा सीट से विनय ने इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ वो जाएंगे ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। इसी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर दोनों के बीच बातचीत हो रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। विनय शाक्य ने पार्टी छोड़ी, आपको बता दें कि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद वो स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर मिलने पहुंचे और उन्होंने साफ कहा कि अब वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही जाएंगे। तो बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि विनय ने साफ तौर पर कहा कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सपा में जाने का मन बना रहे हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा भी पार्टी को दे दिया है, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। तो बीजेपी को एक और बड़ा झटका, विनय सपा में होंगे शामिल और किडनैपिंग के दावों का भी उन्होंने खंडन किया है, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे विनय और कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य